हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये हमारी टारगेट जेईई नीट 2021 सेकंड क्लास स्टूडेंट। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करना कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरीके से निकाला जा सकता है। कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को स्टूडेंट बताए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे प्रॉपरली। आप अपना होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है वो आप ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकूं बच्चों, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना होमवर्क और जो भी आपका काम है वो प्रॉपरली मेरे पास में सेंड करते रहें। ओके सर, स्टूडेंट हम अपने कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए, कल की क्लास में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के बहुत सारे रूल बच्चों आप लोगों को बताए थे। आज हमारे पास में एक फाइनल रूल बचा है स्टूडेंट, और उस फाइनल रूल के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। बच्चों आइए देखते हैं कि फाइनल रूल क्या है बच्चों अपने पास में। स्टूडेंट रूल नंबर 6, लास्ट रूल हमारे पास में ये है, इफ एनी नंबर एक्स इज लेस देन ऑफ 1। कोई भी नंबर दिया है बच्चों आपको x, और ये जो x नंबर है ये आपका 1 से छोटा है, लेस देन ऑफ 1 एक से छोटा नंबर है। जैसे कि 0.00020001, आपको बताना है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। लास्ट रूल है स्टूडेंट हमारा। देखिए ये रूल बच्चों हमारा ये कहता है कि अगर किसी नंबर में जो डेसिमल है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, तो डेसिमल के जो जस्ट बाद वाली जीरोज हैं, देखो अगर कोई नंबर एक से छोटा होगा, अगर कोई नंबर एक से छोटा होगा तो पक्का डेसिमल स्टार्टिंग में आएगा। बहुत बेसिक सी बात है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो डेसिमल के बाद में ये जो जीरोस आ रही हैं ना बच्चों, 3 जीरोस आपके सामने आ रही हैं, ये कभी भी आपको काउंट नहीं करनी है, चाहे पीछे यूनिट हो या ना हो, डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, ये जीरोस आपको कभी काउंट नहीं करनी है। तो देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1, 2, 3, ये दोनों जीरो इसके और इसके बीच में है, ये दोनों जीरो भी इसके और इसके बीच में है, तो 4 और 3, 7, इस नंबर में 7 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं बच्चों। इस नंबर में हमारे 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट, 7 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूँ, 0.200010000। देखिए ये हमारे पास में नंबर है और हमें ये बताना है कि भाई इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। बहुत ही आसान, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो डेसिमल के बाद में जीरो आएंगे, अगर डेसिमल स्टार्टिंग में है तो डेसिमल के जस्ट बाद में जो जीरोज आती हैं उन्हें हमें काउंट नहीं करना है। तो मुझे ये बताओ देख कर, क्या इस डेसिमल के बाद में कोई जीरो आपको दिख रही है? आप कहोगे कि सर नहीं दिख रही है। अरे भैया दिख नहीं रही है तो इसका मतलब है कि लेनी नहीं हम लोगों को, यहाँ कोई जीरो है ही नहीं तो काउंट कैसे करेंगे उसे। देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1, 2, 3, ये दोनों जीरोज इसके और इसके बीच में है, ये दोनों जीरोज इसके और इसके बीच में है, और याद करिए स्टूडेंट रूल नंबर 4, अगर डेसिमल होता है तो पीछे की जीरोज हमें काउंट करनी होती हैं। तो कुल मिलाकर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 और 3, 6 और 3, 9। इस नंबर में स्टूडेंट 9 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं, यहाँ पर 9 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, 9 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। एक और कंडीशन देखते हैं, 0.002000, पूछा है कि बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कैसे बताएंगे भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखो, ये डेसिमल और डेसिमल के बाद में 2 जीरोज हैं, इन्हें हमें काउंट नहीं करना है। अगर हमने इन 2 जीरोज को काउंट नहीं किया तो क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचे हैं सिर्फ ये, ठीक है। डेसिमल है तो पीछे की जीरोज काउंट होंगी, अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोज हमें काउंट करनी है बच्चों,
तीन जीरो ये हैं और एक ये है, कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारा रूल नंबर 6, और इस रूल नंबर 6 को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का तरीका है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात, कोई परेशानी नहीं होगी और आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का तरीका है बच्चों। अपने पास में 5 से 6 रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ओके। अब बारी आती है उन सभी रूल के ऊपर क्वेश्चंस के स्टूडेंट। जितने भी रूल्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, उन रूल के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स बनेंगी, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, उन सब की बात हम लोग करते हैं। जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट, चलिए सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2100, क्वेश्चन नंबर 2 2100 मीटर, क्वेश्चन नंबर 3 2100.00, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 53020.00, क्वेश्चन नंबर 5 1416×10^6 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर 7 1.129×10^-29 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर 8 0.0002000, क्वेश्चन नंबर 9 0.02001.45, क्वेश्चन नंबर 10 5300 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर 11 1414×10^-14, क्वेश्चन नंबर 12 5300 एंगस्ट्रॉम, क्वेश्चन नंबर 13 1.415 00। लीजिए साहब, मुझे लगता नहीं कि इनके बाद में कोई डाउट आपका रहना चाहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद में डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन से नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। भाई यहाँ देखो, ना तो कोई डेसिमल है पहले नंबर में, ना तो कोई डेसिमल है, ना कोई यूनिट है, तो पीछे की जीरो हमें काउंट नहीं करनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब यहाँ आइए स्टूडेंट, यूनिट है ना पीछे, मीटर लगा हुआ है। अगर पीछे यूनिट यानी मीटर लगा हुआ है तो सब कुछ हमें काउंट करना है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं बच्चों। अब यहाँ आइए देखो, डेसिमल है, अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोस हमें काउंट करनी है स्टूडेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जरा ये देखो, 2×2 4×2 6 सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट होने वाले हैं। अब यहाँ आइए, डेसिमल है तो पीछे की जीरोस हमें काउंट करनी है। भाई रूल नंबर 1 के मुताबिक ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही। अगर डेसिमल हो गया तो पीछे की जीरोस भी काउंट करनी है, 3 ये हो गए तो यहाँ पर भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। कल मैंने स्टूडेंट एक रूल आपको पढ़ाया था, और रूल ये था कि 10^10 पावर ऑफ 10 में जो भी कंडीशन होगी उसे काउंट नहीं करना है। कितने बचे, 4, तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ आते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल वही बात, जो 10^10 में टर्म है उसे काउंट नहीं करना है। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट है। अभी रूल नंबर 6 हम लोगों ने बच्चों पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 स्टूडेंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर किसी नंबर में डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाता है, अगर किसी नंबर में जो डेसिमल है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, तो ये जो स्टार्टिंग वाली जीरोस हैं ये हमें काउंट नहीं करनी है, ये हमें काउंट नहीं करनी है बच्चों। अब स्टार्टिंग वाली जीरोस को हमने काउंट नहीं किया, कितने बचे हमारे पास में, 4, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं बच्चों। इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पीछे की जीरोस मैंने क्यों काउंट की है, पीछे की जीरोस मैंने इसलिए काउंट की है क्योंकि डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस काउंट की जाती हैं बच्चों, तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब यहाँ आते हैं स्टूडेंट, देखो इस नंबर में यूनिट है किलोग्राम, पीछे लिखा हुआ है ना,
डेसिमल के बाद जीरोज नहीं है, डेसिमल के तुरंत बाद टू आता है, तो टू तो एक नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरो टू और टू के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरो टू के और वन के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो कुल मिलाकर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए अपने पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस नंबर में 9 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों और यहाँ देखिए ज़रा क्या कंडीशन हो सकती है अपने पास में। देखो यार, इसमें ट्रेलिंग जीरोज़ हैं, दो जीरोज़ आपको दे रखी हैं और पीछे यूनिट भी लगा रखी है, यूनिट है किलोग्राम के अंदर, है या नहीं है? बिल्कुल यूनिट है किलोग्राम में। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट कि अगर पीछे यूनिट रहती है, पीछे यूनिट रहती है तो ट्रेलिंग जीरोज हमें काउंट करनी है। तो 1, 2, 3, 4, इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट। अब यहाँ आते हैं बच्चों और देखते हैं कि यहाँ क्या कंडीशन बनेगी। क्या पावर ऑफ 10 अभी कभी काउंट करनी है आपको? कभी नहीं करनी है पावर ऑफ 10, हमें कभी काउंट नहीं करनी है बच्चों। अगर पावर ऑफ 10 हमें कभी काउंट नहीं करनी है तो क्या बचा हमारे पास में? 1, 4, 1, 4, बीच में डेसिमल है तो यहाँ हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एंगस्ट्रॉम को हटा देता हूँ यहाँ से। देखो बच्चों, एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर -10, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 to the power -10 से है। अब आप बताओ 10 की पावर -10 मीटर, ये तो खत्म, ये बचा और साथ में मीटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर -10, तो मैंने 10 की पावर -10 को तो हटा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 10 की पावर कभी काउंट नहीं करनी। लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है? मीटर। मीटर क्या होती है? एक यूनिट। इस यूनिट के केस में बच्चों इन दो जीरोज को हम काउंट करेंगे और यहाँ पर कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्योंकि मैंने बताया था अगर पीछे यूनिट होती है, अगर पीछे यूनिट होती है तो ट्रेलिंग जीरोज हमें काउंट करनी होती हैं स्टूडेंट। तो इन दो जीरोज को मैं काउंट करूंगा और कुल मिलाकर यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों। अब यहाँ आते हैं स्टूडेंट, डेसिमल है? बिल्कुल है। अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोज मुझे काउंट करनी है। डेसिमल है तो ये दोनों जीरोज मुझे काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल मिलाकर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि 13 प्रॉब्लम, ये 13 सवाल करने के बाद में आपको सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सिग्निफिकेंट के सभी रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई नंबर आ रहा है जिसका सिग्निफिकेंट आपको काउंट करना है और आप लोग उसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तुरंत फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप करिए मेरे पास में, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि भाई किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। कल वाली बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ना हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि हमें ये कहा गया 2300 और हमें कहा कि बताओ इन दोनों नंबर में मोस्ट एक्यूरेट कौन है, ज़्यादा एक्यूरेट कौन है। तो अब आप बताइए बच्चों, 2300 डेसिमल नहीं है पहले नंबर में, ना ही कोई यूनिट है, तो पीछे की जीरोज काउंट नहीं होंगी, दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, ये भी 2300, ये भी 2300, लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट है बच्चों, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये कंडीशन हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में रहने वाली है। भैया मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि अब आपको परेशानी नहीं होगी,
क्योंकि जितना सिग्निफिकेंट में मैं आपको बता सकता था वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं आपको एक वर्कशीट देता हूँ करने के लिए जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट का काम हम लोग कर चुके हैं, आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ हमने बहुत बेहतर तरीके से कर लिया है। सिग्निफिकेंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सभी रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपकी जो वर्कशीट है स्टूडेंट वो ये है, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर अपनी वर्कशीट लिखें फटाफट। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर ईच नंबर, देखो बहुत सारे 20 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, 20 एग्जाम्पल हैं और हर एक के अंदर आपको ये बताने हैं सिग्निफिकेंट कितने होंगे। ये आपकी वर्कशीट है, मैं चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी में और इनका आंसर मुझे आपको व्हाट्सएप या ग्रुप में बताना है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, करिए जल्दी से नोट डाउन और एक एक का आंसर मुझे बताएंगे आप कि क्या आंसर आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्कशीट का एक एक सवाल बनाना है और उम्मीद है कि आप लोग बना भी लेंगे। यार इतना सब कुछ आपको बता दिया है, अब तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करिए जिससे कि मैं देख सकूं कि हाँ आपने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, और मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ कि कोई भी प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है। यही तो फ़र्क है स्टूडेंट लोकल कोचिंग में और एक ब्रांड कोचिंग में। ठीक है, हम आपके साथ में हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम लगे आप लोगों को तुरंत फ़ोन घुमाइए, व्हाट्सएप करिए और अपनी प्रॉब्लम को दूर करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, बड़ा शानदार टॉपिक है यार, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भैया राउंडिंग ऑफ, नंबर को छोटा करना। हम लोग बहुत फिफ्थ सिक्स क्लास से किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े से नंबर को अपनी मर्जी से अप्रोक्सीमेट करके लिख देते हैं कि यार इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा। अगर डेसिमल में वो नंबर है और बहुत बड़ा नंबर है तो इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा, कौन इतना बड़ा नंबर लिखने का जोखिम लेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो छोटा करके लिख देते हैं। तो अब तक तो हम छोटा करके लिख रहे थे ऐसे ही, जो दिमाग में आया छोटा करके लिख दिया, लेकिन फिजिक्स ने नंबर को छोटा करने के कुछ रूल्स हम लोगों को बताए हैं बच्चों। राउंडिंग ऑफ करने के कुछ रूल्स हमारे सामने हैं, वो रूल्स स्टूडेंट हम देखते हैं कि वो रूल्स हमारे पास में क्या हैं। देखो बच्चों वो रूल्स क्या हैं। रूल नंबर वन, अगर आप अपनी कॉपी में लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आपके सामने है, और जो बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं तो वो बोर्ड पर देखें यहाँ पर। रूल नंबर वन क्या है भाई, रूल नंबर वन बच्चों ये है, जैसे ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ डिजिट। स्टूडेंट ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसे हम लोग बोलते हैं राउंड ऑफ डिजिट, और रूल हमारे पास में ये है बच्चों कि यदि लास्ट डिजिट यानी राउंड ऑफ डिजिट लेस देन ऑफ फाइव है, यानी पाँच से कम है, तो उसे वहां से हटा देना है आपको। जैसे कि ये है 2.541, अब ये जो 1 है ये 5 से छोटा है, हटा दो इसे यहां से, हमारे पास में बनेगा 2.54, छोटा हो गया नंबर, बताओ छोटा हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल छोटा हुआ। और भी छोटा करना चाहते हो, अब क्या है 4, लास्ट डिजिट क्या है अब 4, लास्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं राउंड ऑफ डिजिट। अब ये जो राउंड ऑफ डिजिट यानी 4 है स्टूडेंट, ये भी 5 से छोटी है, बताओ है या नहीं है 5 से छोटी, बिल्कुल मैं कहूँगा कि भाई ये भी 5 से छोटी है, और अगर ये भी 5 से छोटी है तो इसे भी यहाँ से हटा दो, ये बचेगा हमारे पास में मात्र 2.5। बताइए कि नंबर छोटा हुआ या नहीं हुआ, हम कहेंगे सर बिल्कुल हुआ है। तो पहला रूल हमारे पास में ये है बच्चों, व्हेन द नंबर ड्रॉप इज 5, यानी कोई भी नंबर अगर 5 से छोटा है द प्रिसीडिंग नंबर रिमेन्स अनचेंज, यानी
आप लास्ट वाली डिजिट को हटाइए और इस डिजिट को हटाकर इस वाली डिजिट को वैसा का वैसा ही रखिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, 6.415.1.2.1.3। देखो यार, जरा बताओ कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस नंबर में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर को छोटा करना है, करते हैं छोटा। देखो बच्चों, जब नंबर को छोटा करना स्टार्ट करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है, 3, 5 से छोटी है ना, हटाओ इसे यहाँ से, तो क्या बनेगा, 6.415.1.2.1। अब बताओ लास्ट डिजिट क्या है, 1, हटाओ इसे यहाँ से, क्या बचेगा, 6.415.1.2। अब बताओ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 2, हटाओ इसे यहाँ से, 6.415.1। लास्ट डिजिट क्या है, 1, हटाओ इसे यहाँ से, ये कंडीशन बनी। चिंता मत करिएगा यहाँ आकर मैं क्यों रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद में दूसरा रूल लगेगा। पहले पहला रूल तो समझ ले हम लोग अच्छे तरीके से। तो पहला रूल स्टूडेंट हमारे पास में ये है कि अगर कोई नंबर 5 से छोटा है, लास्ट वाली डिजिट, राउंड ऑफ डिजिट अगर 5 से छोटी है, तो उसे वहाँ से आप लोग हटा सकते हैं। दिस इज अ रूल नंबर 1। ये बच्चों पहला रूल है अपने पास में, दिमाग के अंदर घुसा लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, देन सेकेंड रूल पर स्टूडेंट हम आते हैं और देखते हैं कि सेकेंड रूल क्या है। चलिए सेकेंड रूल की बच्चों हम बात करते हैं। रूल नंबर 2 ये है, देखिए हमें ये कहा गया, फिर वही बात, लास्ट डिजिट को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्टूडेंट लास्ट डिजिट को हम कहेंगे क्या, लास्ट डिजिट को हम कहेंगे राउंड ऑफ डिजिट। और यहाँ कहानी ये है कि अगर लास्ट डिजिट यानी ये जो नंबर है 8, ये 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन ऑफ 5 है, तो इसे यहाँ से हटाकर प्रीसीडिंग डिजिट में आप 1 ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 2.61, 8 5 से बड़ा है ना, इसे हटाकर इसमें एक ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 618। अब बताओ 5 से बड़ा है ना, इसे हटाओ इसमें एक ऐड कर दो, 2.62 हो गया। अब ये 2 5 से छोटा है, इसे हटा दो, 2.6, ये बनेगा आंसर। तो अभी तक तो दो रूल है बच्चों अपने पास में। पहला रूल ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटी है, तो उसे वहां से हटा दो। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, तो उसे वहां से हटाकर उसे जो आगे का पड़ोसी नंबर है उसमें एक ऐड कर दो। ये दो रूल हैं स्टूडेंट हमारे पास में। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम्पल क्या है, 5 नहीं लेते हैं यार, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ठीक है। चल देखो, लास्ट नंबर क्या है, 7, 5 से बड़ा है ना, इसे हटाओ इसमें एक ऐड करो, तो ये बनेगा 2.617.9.145, और ये 8 बन जाएगा हमारा 9, बनेगा ना 9। अब बताओ ये 9 है, ये 5 से बड़ा है, इसे हटाओ इसमें एक ऐड करो, ये बनेगा 2.167.9.15, ये कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास में बनी। अब इसके अंदर लगेगा बच्चों नेक्स्ट रूल अपना, अगला रूल लगने वाला है। अगला रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। अगला रूल ये है, अगर लास्ट वाली डिजिट ना तो 5 से बड़ी हो ना 5 से छोटी हो, सिर्फ 5 आ जाए, ओनली 5 आ जाए, अगर ये 5 आ गया है, तो इससे अगला नंबर देखो आप, इससे अगला नंबर क्या है, 1, इवन है या ऑड है, आप कहोगे कि ऑड है। अगर ऑड है तो इसमें एक ऐड कर दो, और अगर इवन है तो ऐसा ही छोड़ दो। देखो भाई सुनो ध्यान से, धैर्यपूर्वक सुनिए, यदि लास्ट डिजिट 5 से छोटी है, हटाओ उसे वहां से, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, तो उसे हटाकर उसका जो आगे का पड़ोसी है उसमें एक नंबर ऐड कर दो, ठीक है। थर्ड केस क्या है, अगर लास्ट डिजिट
5 है, जो राउंड ऑफ डिजिट है वो 5 है, तो उसे हटाकर उसे जो आगे का नंबर है अगर इवन है तो ऐसा ही छोड़ दो, और अगर ऑड है तो एक ऐड कर दो। जैसा कि यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 5, उसके आगे का नंबर क्या है 1, ऑड है या इवन है, आप कहोगे कि ऑड है, 1 ऑड है ना, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, आंसर बन जाएगा 2.61792। अब बताओ लास्ट क्या है, 2, 5 से छोटा है, हटा दो इसे यहाँ से, 2.6179। अब क्या है 9, 5 से बड़ा है, इसे हटाकर आगे वाले में एक ऐड कर दो, 2.618, ये 8, 5 से बड़ा है, 2.62, एंड द फाइनल आंसर इज 2.62। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 1, 5 से छोटा है हटाओ, 5 से बड़ा है हटाओ, अगले पड़ोसी में एक ऐड कर दो। रूल नंबर 3 जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसे बच्चे भूल जाते हैं, कभी कभार हम भी भूल जाते हैं यार, लेकिन जब लंबे टाइम तक ना पढ़ा जाए, तो इसीलिए आप अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा और याद करिएगा कि आप लोगों को ये याद रहे। देखिए लास्ट रूल ये कहता है कि अगर लास्ट वाला जो नंबर है, जो राउंड ऑफ नंबर है वो 5 है, ठीक है, जैसे 5 है, तो उस केस में आपको 5 से अगला नंबर देखना है, ये क्या है 2, इवन है ना, 5 को हटाओ, 2 को ऐसा ही छोड़ दो आंसर। जैसे कि ये 5 है, हटाओ इसे, इससे अगला नंबर देखो 3, ऑड है ना, एक ऐड कर दो, 4 आ जाएगा। तो ये कंडीशन बच्चों अपने पास में रहने वाली है। दो एग्जाम्पल करते हैं और दो एग्जाम्पल के बाद में कहानी बेहतरीन करके क्लियर, जल्दी से नोट करो इसे, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ दो तुम लोगों को। चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे। हमें दो एग्जाम्पल देखने हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, 4.615441397488। लो भैया एक नंबर तो ये है। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा नंबर है हमारे पास में 1.414987146। ठीक है, देखो हमें ये कहा कि इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, ठीक है, यानी नंबर को इतना छोटा कर देना है कि बस 3 ही डिजिट बचनी चाहिए इसके अंदर, और इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक। शुरू करें, देखो लास्ट वाला नंबर क्या है 8, 5 से बड़ा है, इसे हटाओ, इसमें एक ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 4.615441397, ये हो जाएगा 5। अब देखो लास्ट वाला नंबर क्या है 5, अरे भैया 5 है ना, 5 में क्या करते हैं 5 को हटाते हैं, अगला नंबर देखते हैं, अगर ऑड है तो 1 ऐड कर देते हैं, इवन है तो ऐसा ही छोड़ देते हैं, ऑड है ना 1 ऐड कर देंगे, 4.615441398। अब ये क्या है 8, अरे क्या है भाई 8 है ना, अगर ये 8 है यानी 5 से बड़ा है, तो इसे हटाकर यहाँ एक ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4.615444140। ये क्या है 5 से छोटा है, हटाओ इसे यहाँ से, ये क्या है 5 से छोटा है, हटाओ इसे यहाँ से, ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, यहाँ पहुँच गए हम लोग, ये सारे 5 से छोटे हैं, हमने इन्हें हटा दिया, 4.615, 3 डिजिट तक करना है। अब बताओ ये क्या है 5, अगर 5 है तो इससे आगे का नंबर देखेंगे 1, ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, आंसर इज 4.62। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट, ये हमारे पास में फाइनल आंसर रहने वाला है, पूरे को राउंड ऑफ हमने कर दिया है। अब यहाँ आते हैं बच्चों, देखो यार 6, 5 से बड़ा है, इसे हटाकर यहाँ एक ऐड कर देंगे, 1.414987155, ये 5 है और ये ऑड नंबर है, तो यहाँ एक ऐड कर देंगे 1.414987 2। अब आप देखो स्टूडेंट, ये 5 से छोटा है, इसे हटा देंगे 1.414987, ये 5 से बड़ा है, यहाँ एक ऐड करेंगे 1.414988 9
5 से बड़ा है ना, इसे हटाकर यहाँ एक ऐड कर देंगे। अब आप देखो बच्चों 1.414, ये 5 से बड़ा है कि भाई है या नहीं ये 5 से बड़ा, तो क्या करोगे? अगर ये 5 से बड़ा है स्टूडेंट, तो हम एक काम करेंगे, इसे हटाएंगे और एक ऐड कर देंगे। इसे हटाकर यहाँ एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 50, बन गया 50। इसे हमने हटा दिया और यहाँ एक ऐड कर दिया, ये 0 है, 5 से छोटा है, इसे हटाएंगे एंड द फाइनल आंसर इज 1.415 स्टूडेंट। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा राउंड ऑफ की कंडीशन में। तो यार तीन बेसिक से रूल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई नंबर 5 से छोटा है उसे हटा दो, पड़ोसी नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है, जैसे कि ये 8 5 से बड़ा था ना, इसे हटाकर यहाँ हमने एक ऐड कर दिया। और अगर लास्ट वाला नंबर 5 है तो जस्ट उससे आगे का नंबर देखो, अगर इवन है तो ऐसा ही, इवन जानते हो ना, जोड़े में है 2, 4, 6, 8, अगर ऐसा है तो ऐसा ही छोड़ दो, और अगर ऑड है 1, 3, 5, 7 तो उसमें एक ऐड कर दो। ये हमारा राउंड ऑफ का रूल है बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। दोनों एग्जाम्पल को आप लोग नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, दोनों एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन करिए अच्छे से, और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। देखो मैंने आज आप लोगों को सिग्निफिकेंट के सारे रूल बता दिए, और ये भी बताया कि जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा बच्चों, वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेसी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कुछ मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, कुछ आपके सामने हैं, ये आपकी वर्कशीट है जो आपको करनी है। फिर मैंने आप लोगों को राउंड ऑफ करने के रूल बताए, तीन रूल है राउंड ऑफ करने के, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखिएगा, 5 से छोटा हटाओ, 5 से बड़ा हटाकर पड़ोसी नंबर में एक ऐड कर दो। अगर 5 है तो आगे का नंबर देखो, इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो एक ऐड कर दो। इन तीन के तीन रूल को अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, ओके। तो एक तो होमवर्क आपका वर्कशीट को करना है, एक मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। बच्चों ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना स्टूडेंट, इसमें आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 1.1497986 5, दूसरा नंबर है 4.97141 16, तीसरा नंबर है 3.1415 9 6 7। ठीक है, चौथा नंबर है 1.1498761 5, और पांचवा नंबर है 4.44198। ये ठीक है, देखो बच्चों टारगेट का हमारा बैच है, और मैं आपको छोटी से छोटी बात बताकर चल रहा हूँ स्टूडेंट। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा रहे जो आप लोग ना सीख पाएँ। हमें बहुत एनर्जी के साथ में अपने टारगेट को फिक्स करते हुए, अपने टारगेट के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाकर अपना काम तब करना है। हर समय आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि इस बार हम लोगों को नीट या जेई का एग्ज़ाम क्रैक करना है, हर हालत में हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, और उसके लिए हम आपकी सहायता करेंगे बच्चों। ठीक है, समय समय पर हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो जो आपको होमवर्क दिया गया है वो प्रॉपरली कर लेकर आएँ। बाकी क्लासेस 4 जून से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।